तो क्या कड़े एक्शन के इंतजार में एसएमएस के बड़े डॉक्टर? एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों की हर धर्मिता का नमूना दिखाई दिया। जिस भर्ती मरीज को चाहिए दूसरे विभाग के चिकित्सक का ओपिनियन, तो ऑफलाइन रेफरेंस फॉर्म थमाकर अटेंडेंट को कर रहे चक्कर घिन्नी। चिकित्सकों की मनमानी से अस्पताल में रोजाना भटकते सैकड़ों मरीज, जबकि अस्पताल के IHMS पोर्टल में है ऑनलाइन रेफरेंस की व्यवस्था। यदि सभी चिकित्सक ऑनलाइन रेफरेंस का 100% करें उपयोग, तो मरीजों की परेशानी होगी खत्म। चिकित्सकों की तय हो सकेगी जिम्मेदारी। आश्चर्य यह है कि कई बार निर्देश के बावजूद ऑनलाइन रेफरेंस की नहीं हो रही पालना। खुद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रकाश नकाते जता चुके हैं मनमानी पर नाराजगी। फिर भी 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य की गई व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है चिकित्सक। और चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, एसएमएस अस्पताल जो उत्तर भारत का कह लीजिए सबसे बड़ा अस्पताल है, करोड़ों की संख्या में पूरे ही साल भर में यहाँ मरीज पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का भी यहाँ इलाज होता है, लेकिन हर धर्मिता की क्या वजह देख पा रहे हैं? क्यों ऑफलाइन का सहारा लिया जा रहा है ऑनलाइन की बजाय? हाँ देखिए, बिल्कुल, अगर एसएमएस अस्पताल की बात करें, आपने कहा कि प्रदेश का नहीं, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पे फुटफॉल मरीजों का सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन जो मनमानी कर रहे हैं चिकित्सक, उनका इलाज करने में प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। आज देखिए, जिस तरह से 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन रेफरेंस की व्यवस्था लागू की गई थी, ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि एक बहुत बड़ा मर्ज है अस्पताल के अंदर। अस्पताल के अंदर मरीजों के परिजन जो रात रात भर भटकते हैं, इधर से उधर भटकते हैं, विभागों में अलग अलग भटकते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि उनके मरीज को दूसरे विभाग के अंदर चिकित्सक की ओपिनियन लेनी होती है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसको ऑनलाइन रेफरेंस की व्यवस्था है, और जो अस्पताल का पोर्टल है उस पोर्टल पर इस तरह की व्यवस्था है कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, और उस रिक्वेस्ट के माध्यम से डॉक्टर जो है अपने जो रेजिडेंट है उनको भेज करके मरीज को ट्रीटिंग कर सकते हैं, उसको परामर्श दे सकते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो अस्पताल में लगातार पिछले 1 सालों के अथक प्रयासों के बावजूद अभी तक लागू नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 बार अस्पताल अधीक्षक इस बारे में सख्त लहजे में लेटर लिख चुके हैं। आज एक बार फिर से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कि सभी अधीक्षकों, सभी एचओडी को, यूनिट प्रभारियों को कहा गया है कि इस आदेश की पालना की जाए। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि 1 जनवरी 2024 से चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था, यानी कहा था कि 1 जनवरी के बाद अब किसी भी मरीज के अटेंडेंट को रेफरेंस का पर्चा नहीं थमाया जाएगा, ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। लेकिन अभी तक अधिकांश विभागों के अंदर ऑफलाइन व्यवस्था के तहत ही पर्चे थमाए जा रहे हैं, रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि ये जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था क्या कहते हैं, जो कुप्रबंधन कह सकते हैं, इस कुप्रबंधन पर क्या चिकित्सा शिक्षा की अभी हाल ही में जिम्मेदारी मिली है एसी कुबरा सिंह को, क्या वो एक्शन ले पाएंगी इस हमारे मामले में? क्योंकि बहुत बड़ा मर्ज है, बहुत बड़ा दर्द है मरीजों का, और हर अस्पताल में भर्ती होने वाला हर, कह सकते हैं कमोबेश हर मरीज को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो रेफरेंस की व्यवस्था है उससे। और कई कई बार तो ये है कि एक एक मरीज को 4 से 5 बार रेफरेंस के पन्ने थमाए जाते हैं, यानी कि पूरे दिन भर मरीज के अटेंडेंट जो इधर से उधर विभागों में भटकते रहते हैं। और इस व्यवस्था का एक समाधान यही है कि ऑनलाइन व्यवस्था की जाए, ऑनलाइन रेफरेंस भेजा जाए, और ऑनलाइन भेजने से ये भी तय हो पाएगा कि मरीजों के जो ऑनलाइन रेफरेंस है, जिन चिकित्सकों के पास वो भेजा जाएगा, उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनको कब ये रेफरेंस भेजा गया, कब उन्होंने मरीज को अटेंड किया, और कब उसका रेफरेंस का निस्तारण हुआ। बहुत बड़ी व्यवस्था है, सुव्यवस्थित व्यवस्था है, लेकिन उसको मानने के लिए बड़े चिकित्सक जो तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है विकास, बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक और बड़ी खबर है, अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री में राजस्थान ने रचा है कीर्तिमान। पीएम की अपील पर देश भर में सर्वाधिक राजस्थान में रजिस्ट्री हुई है। देश भर में अब तक दर्ज की गई है 1,24,910 ऑनलाइन रजिस्ट्री। चिकित्सा विभाग की पहल पर प्रदेश में रजिस्ट्री हुई है, और हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए, पिछले ही साल अंगदान को लेकर एक महाअभियान भी चलाया गया था, जिसमें शपथ भी दिलवाई गई थी। अब राजस्थान ने कीर्तिमान रचा है, किन किन प्रयासों की वजह से ये कामयाब हो सका है विकास? आज देखिए, बहुत बड़ी मुहिम है जीवन बचाने की मुहिम अंगदान, क्योंकि व्यक्ति अगर अंगदान करता है तो जो जरूरतमंद है, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ऐसे मरीज है जिनको
लीवर, हार्ट, किडनी, अलग अलग तरह के अंग चाहिए, उन अंग नहीं मिलने की वजह से वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। कई लोग मौत का ग्रास ही बोल रहे हैं। ऐसे में पीएम ने मन की बात के अंदर अपील की थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्री करें, वो अपने आप खुद सेल्फ एड से आगे बढ़कर अंगदान की मुहिम से जुड़े, और उस मुहिम को चिकित्सा विभाग ने पहली प्राथमिकता रखी। उसका कारण ये भी है कि विभाग की मुखिया है शिवराज सिंह, वो खुद ऑर्गन डोनर है, उन्होंने अपनी किडनी जो है वो दान करी हुई है। तो ऐसे में वो खुद इस मुहिम की महत्ता समझती है, उन्होंने पूरे अभियान को कैंपेन के रूप में ग्रास रूट से शुरू करवाया। आज राजस्थान ने इस पूरे कैंपेन में इतिहास रचा अपने आप में, 24,000 से अधिक रजिस्ट्री, जो कि पूरे भारत में राजस्थान ने पहला पायदान हासिल किया है आज, जिसमें कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्री राजस्थान की हो गई। इससे पहले अगर दूसरा पायदान है वो महाराष्ट्र का है, जहाँ पर रजिस्ट्रियां हुई है। और ये मुहिम, मैं मानता हूँ कि इस तरह की मुहिम लगातार चलनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जरूरत के हिसाब से अंग मिल सके। जब वो मरीज अपनी जान देता है, उसके जो अंग है वो किसी जरूरतमंद के काम आ सके। एक बहुत कह सकते हैं कि जीवन बचाने की बहुत बड़ी मुहिम है, जिसमें हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। हम भी अपील यही करते हैं कि ये जो रजिस्ट्री, ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।